हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है वीडियो में। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हो मैक नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि इंडियन कस्टम एक्ट्स और कस्टम्स की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में। और ये देखेंगे पर्टिकुलर बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या होती है इस पर्टिकुलर एक्ट के रिगार्डिंग में। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंडियन कस्टम एक्ट 1962। तो पर्टिकुलर इस एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमको उसका ब्रीफ हिस्ट्री पता करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं उसका पर्टिकुलर हिस्ट्री क्या है। कहने का मतलब कि भाई कस्टम्स में कैसे, मीन्स पहले जब कि राजाशाही राज था, मीन्स इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, और जब राजाशाही राज था 17वीं सेंचुरी में, तो पर्टिकुलर क्या होता था कि बाहर से कोई भी इंडिया में आता था व्यापार करने के लिए, यहाँ पे गुड्स बेचने और व्यापार करने के लिए, तो पर्टिकुलर वो राजा के लिए कोई गिफ्ट लेके आता था, तो उस पर्टिकुलर कस्टम्स को उसने कस्टम्स ड्यूटी का नाम दे दिया। तो कहने का मतलब राजा बाहर से कुछ भी, उसकी रियासत में कुछ भी सामान आता था तो वो पर्टिकुलर कस्टम्स की ड्यूटी चार्ज की जाती थी उससे कि वो पर्टिकुलर गुड्स यहाँ पे लेके आए। ये वेदास के पीरियड से ही चला हुआ आ रहा है। तो ये राजाशाही राज की मैंने बात की। अभी बात करते हैं पर्टिकुलर ब्रिटिश राज में, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो हम पे इंडिया पे राज किया, तो तभी के टाइम पे क्या सिनेरियो था कस्टम्स का। तो पहला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया 1786 में कलकत्ता में। फिर न्यू बोर्ड ऑफ ट्रेड एस्टेब्लिश किया गया 1808 में, मीन्स 1808 में। फिर एक यूनिफॉर्म टैरिफ एक्ट लेके आया गया 1859 में, ऑल ओवर इंडिया में वो इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे जनरल इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई 10%, जो घटके हुई 7.5% इन 1864। वो ज़्यादा करके ब्रिटिशर्स में क्या होता था कि टेक्सटाइल यहाँ से गुड्स बहुत जाते थे, तो उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स में वो प्रेशर करने लगे, क्योंकि वहाँ पे कॉटन की वैरायटीज बहुत थी। तो तब भी क्या किया उन्होंने, वो इम्पोर्ट ड्यूटी को एबोलिश कर दिया। कब एबोलिश किया, 1877 में। फिर उसके बाद सी कस्टम एक्ट पास किया गया 1878 में। फिर 1882 में इम्पोर्ट ड्यूटीज को फिर से एबोलिश किया गया, और उसकी जगह पे रीइंट्रोड्यूस किया गया 1894 में कि भाई जनरल रेट लगेगा 5%। कितना परसेंट? 5% रेट लगेगा टैरिफ एक्ट के हिसाब से। फिर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन गुड्स में 5% लगाया जाता था 1894 में। फिर एक्साइज ड्यूटी का भी इन्होंने इम्पोज करना स्टार्ट किया कॉटन गुड्स के ऊपर। फिर इंडिया में वो ये सभी ड्यूटीज, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को एबोलिश किया 1925 में। फिर क्या हुआ कि जनरल रेट ऑफ ड्यूटी इंक्रीज कर दिया गया, एबोलिश कर दिया 1925 में, उसके बाद फिर से इंक्रीज करके लेके आया गया 7.5, मीन्स पहले था 5%, उसके बाद लेके आया गया 7.5। और उस पर्टिकुलर के बाद लैंड कस्टम एक्ट भी लाया गया 1924 में, और एयर कस्टम्स भी कवर किया गया, किसमें, इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट में वो पर्टिकुलर एयर कस्टम्स भी कवर अप किया गया। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि बाय सी के लिए कस्टम्स एक्ट लेके आ रहे हैं, फिर एयर कार्गो के लिए एयर कस्टम्स लेके आ रहे हैं, लैंड कार्गो के लिए लैंड कस्टम्स एक्ट लेके आए पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स बिफोर इंडिपेंडेंस। फिर इन
इंडिपेंडेंस के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो होने लगा तो ट्रेड भी एक्सपांड होने लगा, तो इस पर्टिकुलर के लिए कस्टम्स एक्ट को कंसोलिडेट किया गया। इन पर्टिकुलर किस किस कौन कौन से कस्टम एक्ट को, लैंड कस्टम एक्ट को और एयर कस्टम्स को कंपाइल करके एक इंडियन कस्टम एक्ट बनाया गया 1962। तो ये पर्टिकुलर ब्रीफ हिस्ट्री थी किसकी, इंडियन कस्टम एक्ट 1962 की। तो चलिए अभी इसकी पर्टिकुलर एक्ट में बेसिक्स जो डेफिनेशंस हैं उसको हम कवर अप करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में पहला है एडोडक्टिंग अथॉरिटी। एडोडक्टिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करे जो भी पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस नहीं मान रहा है और क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है बाय इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड्स, तो उसे एडोडक्टिंग अथॉरिटी कहा गया है। असेसमेंट, असेसमेंट में कई तरह के असेसमेंट होते हैं। असेसमेंट में क्या होता है कि पर्टिकुलर वेरीफाई किया जाता है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को देख के और जो एप्लीकेशन फाइल की गई है कस्टम्स में। तो किस किस तरह के असेसमेंट होते हैं, एक होता है रीअसेसमेंट, यानी कि जो पर्टिकुलर एक असेसमेंट हुआ किया है एक ऑफिसर ने, तो उस ऑफिसर के जो जजमेंट है पर्टिकुलर जो असेसमेंट किया है उसको वो चैलेंज कर सकता है दूसरा ऑफिसर और जाके रीअसेसमेंट कर सकता है अगर जो जरूर पड़े तो। फिर होता है फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट में क्या होता है, फाइनल असेसमेंट समझने के लिए आपको प्रोविजनल असेसमेंट समझना पड़ेगा। प्रोविजनल असेसमेंट में ये होता है कि भाई कोई भी गुड्स बाहर से आता है तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यूएशन जो है वो हमको डिसाइड करनी पड़ती है कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए। तो कस्टम ड्यूटी जो निकाला जाता है एक्चुअली प्रोविजनल असेसमेंट इसीलिए प्रोविजनल है क्योंकि उसका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कोई प्रूफ नहीं होता है इंपोर्टर के पास ताकि कस्टम्स उसे वैल्यूएशन करने में आसानी हो। तो पर्टिकुलर क्या करता है प्रोविजनल असेसमेंट में, कस्टम्स एक फिजिकली वेरीफाई करता है गुड्स और उस हिसाब से प्रोविजनल असेसमेंट करके उन्हें दे देता है ड्यूटी का अमाउंट। बट वहाँ पे कस्टम्स एक प्रोविजनल ड्यूटी बॉन्ड साइन करवा देता है जिसमें ये लिखा रहता है कि कोई भी कुछ भी डिफरेंस वगैरह हुआ इस पर्टिकुलर फाइनल असेसमेंट के टाइम पे, यानी कि जब भी डॉक्यूमेंट आ जाएंगे तो फाइनल असेसमेंट होगा तो पर्टिकुलर ड्यूटी मैच किया जाएगा। जैसे कि सपोज मान लो कि प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम पे ड्यूटी आई 80 रुपीस और फाइनल असेसमेंट के टाइम पे आई ड्यूटी 100 रुपये, तो 20 रुपीस जो नहीं भरा है वो उसको पर्टिकुलर इंपोर्टर को भर के फिर गुड्स छुड़वाना है। तो ये चीज थी असेसमेंट की जिसमें मैंने आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें समझाई। हालांकि असेसमेंट में और भी तरह तरह के असेसमेंट हैं, आगे हम आगे वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बैगेज, बैगेज क्या होता है, सिंपल से लैंग्वेज में बैगेज का मतलब है कि कोई भी बैग हम यहाँ से बाहर लेके जा रहे हों, यानी कि हम ट्रैवल कर रहे हों इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, यानी कि दूसरी कोई कंट्रीज़ में हम ट्रैवल कर रहे हों या उस पर्टिकुलर कंट्री से हम इंडिया में वापस आ रहे हों, तभी हमारा जो लगेज होता है उस पर्टिकुलर लगेज में कोई ड्यूटीएबल आइटम तो नहीं है, तो उस पर्टिकुलर को हम कस्टम्स की लैंग्वेज में बैगेज का नाम दिया गया है। बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री का मतलब सिंपल है, जब भी कोई भी गुड्स बाहर से इंडिया में आता है और कस्टम फ्रंटियर पार करता है तो इंपोर्टर एक एजेंट अपॉइंट करता है और एजेंट एक एप्लीकेशन करता है कस्टम्स में कि वो जो इंपोर्टेड गुड्स आया है पर्टिकुलर इस क्लाइंट का वो उसे क्लियर करवा के कस्टम्स में से देता है। तो जो एजेंट है जो एप्लीकेशन करता है उस पर्टिकुलर गुड्स को क्लियर करवाने की, तो उसे पर्टिकुलर बिल ऑफ एंट्री कहते हैं जो इंपोर्टेड गुड्स की क्लियरेंस करवाता है। बिल ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि यहाँ से जो सामान बाहर जा रहा है तो उसमें पर्टिकुलर क्लाइंट का जो भी एक्सपोर्टर है उसका पर्टिकुलर जो सामान यहाँ से बाहर जा रहा है तो उसे एप्लीकेशन करना पड़ेगा किसके द्वारा, एक एजेंट रखेगा और वो एजेंट एप्लीकेशन करेगा कस्टम्स में कि भाई मुझे ये सामान इस पर्टिकुलर क्लाइंट का क्लियर करवा के बाहर भेजना है, तो उसे बिल ऑफ एक्सपोर्ट कहते हैं अंडर सेक्शन 50, जिसे हम शिपिंग बिल का भी नाम दे सकते हैं।
कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स, यहाँ का गुड्स अगर जो बाय सी वेसल के द्वारा विद इन इंडिया ट्रैवल करता है सी में वेसल में, तो उसे कोस्टल गुड्स कहा गया है। कस्टम की लैंग्वेज में कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का सिंपल सा मतलब है कि भाई व्हीकल है उसमें जिसके द्वारा ये गुड्स कन्वे करके बाहर लेके जा रहा है, वेसल है यानी कि उस जहाज में हमारा सामान इधर से उधर हो रहा है, एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में जो हमारा बैगेज है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या दूसरी जगह से हमारे इंडिया में आ रहा है, तो कस्टम्स की नज़र में वो एक कन्वीनियंस है। कस्टम एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट्स पे यानी कि हवाई अड्डों पे पर्टिकुलर कस्टम्स की निगरानी रहती है कि बैगेज में कोई गुड्स इलीगली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट न कर पाए, यानी कि लेके आ ना सके अपने इंडिया में और इंडिया से बाहर ना लेके जा सके ज़्यादा क्वांटिटीज में। उसके लिए बैगेज रूल बनाया गया है, बैगेज रूल में कितना जनरल अलाउंसेस फ्री अलाउंसेस है वो आगे वाले वीडियोस में हम जरूर उसकी चर्चा करेंगे। कस्टम एरिया, तो कस्टम एरिया वो एरिया है जहाँ पे गुड्स क्लियरेंस के लिए लेके आया जाता है, जहाँ पे वो गुड्स की एग्जामिनेशन होता है पर्टिकुलर एरिया में। कस्टम्स पोर्ट, कस्टम्स पोर्ट ज़्यादा करके कंटेक्स्ट में सी के कंटेक्स्ट में देखा गया है, हालांकि ड्राई पोर्ट्स की भी कैटेगरी में इस पर्टिकुलर कस्टम्स पोर्ट को रखा गया है। ड्राई पोर्ट्स ये वो पोर्ट्स होते हैं जो समुद्र की जगह से बहुत दूर होते हैं और जो समुद्र के जो बाजू में होते हैं यानी कि ज़्यादा करके समुद्र के पास ही होते हैं पोर्ट्स, तो उस पोर्ट्स को सी पोर्ट्स नाम दिया गया है। और ड्राई पोर्ट्स यानी कि जिसे हम ICDs भी कहते हैं, इनलाइन कंटेनर डेपोज भी कहते हैं, जो बहुत ही अंदर रिहायशी इलाकों में भी पाया जाता है कस्टम्स के द्वारा, जहाँ पे कस्टम का क्लियरेंस प्रोसीजर हो सकता है। कस्टम स्टेशन, जहाँ पे वो गुड्स लेके आया जाए यानी कि एरिया मैं आगे बता चुका हूँ। ड्यूटीएबल गुड्स, अभी यहाँ पे मेरे को गुड्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कस्टम्स की लैंग्वेज में गुड्स किसे किसे कहा गया है। व्हीकल है, व्हीकल को गुड्स मानते हैं। कन्वीनियंस है, कोई भी कंटेनर हो गया, व्हीकल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, वेसल हो गया, तो उन सभी को ये कस्टम्स गुड्स की लैंग्वेज में उसे गुड्स मानता है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल गुड्स जो यहाँ से वहाँ हो सके, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को भी वो गुड्स मानता है। फिर आते हैं स्टोर्स, स्टोर्स को भी वो पर्टिकुलर गुड्स मानता है। स्टोर्स का मतलब ये है, मैं आगे समझाता हूँ स्टोर्स का मतलब। और ना उसके अलावा ये जो अपना बैगेज होता है वो भी गुड्स में ही इंक्लूड किया गया है। और करेंसीज होते हैं जो यहाँ से वहाँ की जाती है कन्वेयंस में, किसी भी कन्वेयंस में जो भी कस्टम एरिया से पास किया करके जाना चाहिए। लास्ट बट लीस्ट है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो भी पर्टिकुलर गुड्स की कैटेगरी में गिने गए हैं अंडर कस्टम्स, मींस कस्टम्स की लैंग्वेज में। तो ये था पर्टिकुलर गुड्स की लैंग्वेज, गुड्स क्या होता है कस्टम्स की लैंग्वेज में सिंपल से। तो ड्यूटीएबल गुड्स का मतलब क्या है, जिसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी इम्पोज करे उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर, तो उसे उस पर्टिकुलर गुड्स को हम ड्यूटीएबल गुड्स कहते हैं। ड्यूटी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर हम बोलते हैं ना गिफ्ट का चाहते कस्टम है कि भाई कोई भी यहाँ से गुड्स जा रहा है या बाहर से कोई गुड्स आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर पे ड्यूटी लगाई जाती है ताकि वो चीज़ उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यूएशन बढ़ जाए, क्योंकि वो बाहर से आया है इसलिए, तो उसीलिए उसे ज़्यादा करके इम्पोर्ट में वो ज़्यादा लिवाई किया जाता है और एक्सपोर्ट में बहुत ही कम किया जाता है। एंट्री, यहाँ पे कस्टम्स की लैंग्वेज में एंट्री यहाँ पे दो प्रकार की होती है ज़्यादा करके, जो है इनवर्ड एंट्री। इनवर्ड एंट्री का मतलब है कि वेसल जो आया है बर्थ पे लगा हुआ है उसमें से कार्गो या कंटेनर्स को अनलोड करने की परमिशन, उसे कहते हैं एंट्री इनवर्ड। दूसरा होता है कि यहाँ से जो गुड्स लोड करके कस्टम क्लियरेंस करके बाहर जा रहा है, मीन्स यहाँ
से कोई एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स को, तो उसे गुड्स कस्टम क्लियरेंस करेगा, ठीक है, बट उसके बाद उसे एंट्री आउटवर्ड देगा, यानी कि इधर से पर्टिकुलर माल दूसरी जगह जाने के लिए रेडी है, ओके तो उसी लिए यहाँ पे एंट्री के दो टर्म्स होते हैं। एग्जामिनेशन का सिंपल सा मतलब है, एग्जामिनेशन में क्या होता है कि फिजिकली गुड्स को वेरीफाई किया जाता है, यानी कि चेक किया जाता है जहाँ पे गुड्स पड़ा हुआ है, यानी कि इंपोर्ट के केस में कोई कंटेनर में पर्टिकुलर एक CFS में पड़ा हुआ होगा, और एक्सपोर्ट के केस में भी CFS पे आया हुआ होगा गुड्स जो कि शेड में पड़ा होगा। एक्सपोर्ट गुड्स यानी कि जो गुड्स यहाँ से 12 नॉटिकल माइल पार कर गए, उस पर्टिकुलर गुड्स को कस्टम्स एक्सपोर्ट गुड्स में गिनेगा। एक्सपोर्टर यानी कि गुड्स का जो ओनर है, जो यहां से गुड्स बाहर भेज रहा है किसी और कंट्री में, यानी कि ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है, यानी कि जो गुड्स यहां से भेज रहा है वो एक्सपोर्टर है और जो गुड्स वहां पे रिसीव करेगा वो इंपोर्टर है। गुड्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया आती है। इम्पोर्ट का मतलब है कि कोई भी गुड्स बाहर से पर्टिकुलर इंडिया में लेके आया जाए कस्टम फ्रंटियर के द्वारा, उस पर्टिकुलर गुड्स को हम इम्पोर्ट कहते हैं। इम्पोर्ट मैनिफेस्ट में मैं एंट्री की तो मैं बात कर ही चुका हूँ, यानी कि यहाँ पे इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट होता है और एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट होता है। कहने का मतलब जब भी कोई सामान बाहर से इधर आता है तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि ये जो IGM है, यानी कि इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, किसको देख के फाइल किया जाता है, किस बेसिस पे फाइल किया जाता है, EGM के बेस पे फाइल किया जाता है। EGM यानी कि लोड पोर्ट का एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो फाइल किया है उसके बेस पे फाइल किया जाता है। क्यों? उसका कारण ये है कि वहाँ से कितना लोड हुआ, क्या वो यहाँ पे इंडिया में उतना ही सामान आया कि नहीं आया, प्रॉपर आया तो कितना आया, सो एंड सो ऑन। तो इसलिए इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इसे कहते हैं, इंपोर्टेड गुड्स, सॉरी। तो इंपोर्टेड गुड्स वो गुड्स है जो कि कस्टम्स के लैंग्वेज में वो इंपोर्टेड गुड्स हैं जो कि वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, जो कि जिसके ऊपर ड्यूटी अभी भी नहीं भरा हुआ है। हालांकि जो होम कंजप्शन में गुड्स जो लेके जाए जा सकते हैं जो इंपोर्टर के द्वारा है, जो इंपोर्टर को पोजीशन दिया जाता है ड्यूटी भर के, वो इंपोर्टेड गुड्स में नहीं आते कस्टम्स की लैंग्वेज में। कस्टम्स की लैंग्वेज में वो इंपोर्टेड गुड्स हैं जिसके ऊपर ड्यूटी अभी भी पेंडिंग है और नहीं भरा गया है, यानी कि जो भी गुड्स कार्गो बाहर से आता है वो इंपोर्टेड गुड्स है अनटिल एंड अनलेस उसे होम कंजप्शन में क्लियर किया जाए। इंपोर्टर यानी कि ओनर ऑफ द कार्गो, जो भी कार्गो बाहर से कोई यहाँ आता है तो उस पर्टिकुलर कार्गो का ओनर कौन है, ओनरशिप उसकी किसके पास है, तो उसे हम इंपोर्टर कहेंगे। इंडियन कस्टम वाटर्स में एक बॉर्डर है 12 नॉटिकल माइल्स का, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद बॉर्डर बदल जाता है, यानी कि उसके बाद का जो एरिया है, अगर के 12 नॉटिकल माइल पार कर लिया पर्टिकुलर वेसल ने तो वो चीज़ कस्टम्स की लैंग्वेज में एक्सपोर्ट मानी जाती है। लैंड कस्टम स्टेशंस, तो लैंड कस्टम स्टेशंस कहाँ होते हैं, जहाँ पे कस्टम रेगुलेट करता है कि बाय रोड के कंसाइनमेंट को कैसे क्लियर किया जाए, यानी कि बिल्टी वगैरह होता है, LR होता है, तो उसके बेसिस पे उसको क्लीन चिट दी जाती है कि अभी आप वहाँ से यहाँ कर सकते हो गुड्स को, तो वो लैंड कस्टम स्टेशन पे किया जाता है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, इंडिया चाइना का बॉर्डर हो गया, इंडिया नेपाल का बॉर्डर हो गया, इंडिया भूटान का बॉर्डर हो गया, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, बाय रोड के कंसाइनमेंट से यहाँ से जाते हों तो, यानी कि आते हों और जाते हों, दोनों के केस की बात कर रहा हूँ, वाइस वर्सा। मार्केट प्राइस का सिंपल सा फंडा है कि भाई कस्टम्स जो भी गुड्स यहाँ से जाता है कि आता है तो उसकी वैल्यूएशन करता है कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर होनी चाहिए, ना ओवर वैल्यूएशन होना चाहिए ना अंडर वैल्यूएशन होना चाहिए। अगर
रिजर्व से वो चेक करता है कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या है पर्टिकुलर उस कॉमोडिटी का, यानी कि होलसेल प्राइस क्या है उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का, उसके हिसाब से वो वैल्यूएशन करके पर्टिकुलर एक्सपोर्ट की परमिशन या इम्पोर्ट की परमिशन में क्लियरेंस करता है पर्सन इंचार्ज। तो पर्सन इंचार्ज यहाँ पे रोड के कंटेक्स्ट में रेल आएगा और व्हीकल आएगा, तो उस दोनों में ड्राइवर का नाम आएगा पर्सन इंचार्ज। रेल है तो रेल गाड़ी कौन चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, तो उस केस में पर्सन इंचार्ज ड्राइवर हुआ, और व्हीकल में पर्सन इंचार्ज कौन हुआ, ड्राइवर हुआ। आगे वेसल के केस की मैं बात करूँ तो मास्टर ऑफ द वेसल होता है, एयरक्राफ्ट की बात करूँ तो कैप्टन ऑफ या फिर कैप्टन पायलट होता है पर्सन इंचार्ज। प्रोहिबिटेड गुड्स, प्रोहिबिटेड गुड्स वो गुड्स हैं जो पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये कहा गया है कि वो पर्टिकुलर गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए और बाहर से कोई गुड्स इम्पोर्ट करने के लिए प्रतिबंध है, यानी कि बैन है उस पर्टिकुलर गुड्स का, वो नहीं लेके आया जा सकता यहाँ से, ना ही भेजा जा सकता है उस पर्टिकुलर गुड्स को, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम प्रोहिबिटेड गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि कस्टम्स उसे उस पर्टिकुलर कैटेगरी में रखता है। प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर के यहाँ पे डेफिनेशन का सिंपल सा फंडा बताऊँ तो कि जो पर्टिकुलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में जो कस्टम्स जो फंक्शन करता है, यानी कि एग्जामिनेशन हो गया, असेसमेंट हो गया, फिर एंट्री इनवर्ड लेना, एंट्री आउटवर्ड लेना, तो सब कुछ रिमार्क्स वगैरह लिखना, उसको पास आउट करना, तो पर्टिकुलर जो फंक्शन होता है जो अंडर एक कमिश्नर के बोर्ड में जो भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, हालांकि आगे वाले वीडियोस में हम ये भी जानेंगे कि पर्टिकुलर कस्टम में किस किस तरह के ऑफिसर्स रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं कस्टम्स को काम करने के लिए, तो वो प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन में आते हैं कस्टम्स की लैंग्वेज में। शिपिंग बिल, शिपिंग बिल का मतलब है कि एक एक्टिवेशन एप्लीकेशन किया जाता है, एक्सपोर्टर एक एजेंट रख के एक एप्लीकेशन करता है कस्टम्स में कि मेरे को ये गुड्स यहाँ से बाहर भेजने हैं, इसका आप क्लियरेंस करो, अच्छी तरह से वैल्यूएशन करो, प्रॉपर पॉलिसी के हिसाब से कि नहीं वो चेक करके, फिर लीगली तरीके से हम उस चीज़ को एक पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट जो बनता है जिसे हम शिपिंग बिल कहते हैं। स्टोर्स, स्टोर्स का मतलब ये है कि कोई भी वेसल में जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है, यानी कि अपना फ्यूल हो गया, रिपेयर्स मेंटेनेंस हो गया, कोई क्रू मेंबर है तो उसे खाने पीने की चीज़ें चाहिए, मेडिसिन वगैरह चाहिए, तो वो पर्टिकुलर ड्यूटी फ्री शॉप से उनको प्रोवाइड की जाती हैं वेसल में, तो उस पर्टिकुलर ड्यूटी फ्री शॉप्स को हम स्टोर्स कहते हैं, कौन, कस्टम्स। स्मगलिंग, स्मगलिंग का मतलब सिंपल है कि इलीगली तरीके से कोई भी सामान, यानी कि कस्टम्स की आंखों में धूल झोंक के कोई भी सामान इधर से उधर करता है या उधर से इधर लेके आता है, उस पर्टिकुलर कंटेक्स को हम स्मगलिंग कहते हैं। टैरिफ वैल्यू, टैरिफ वैल्यू का सिंपल सा फंडा है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी है, मैं वैल्यूएशन की बात कर चुका हूँ, तो यहाँ पे टैरिफ वैल्यू में सिंपल से फंडा मैं बताऊँगा कि एक्सचेंज रेट जो होता है वो पर्टिकुलर बोर्ड के द्वारा नक्की किया रहता है, वो एक्सचेंज रेट जब भी शिपिंग बिल फाइल करते हैं उस समय जो एक्सचेंज रेट होता है, हालांकि वही एक्सचेंज रेट, जरूरी नहीं कि जब भी आपको पैसा मिले या पैसा आपको देने हो तो वही रेट के हिसाब से दोगे, ये पर्टिकुलर वैल्यूएशन करने के लिए ही रेट बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा, इसे हम CBIC की वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशंस के हेड में। तो वैल्यूएशन निकालने के लिए पर्टिकुलर उसको एक्सचेंज रेट जो होता है वो 20 डेज या 15 डेज के बाद चेंज होता रहता है, किसके द्वारा, CBIC के द्वारा। व्हीकल, व्हीकल बाय रोड के कंटेक्स में मैं बात करूँ तो ट्रक हो गया कि भाई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान लेके जा रहा है या दूसरे कंट्री से इस कंट्री में सामान लेके आ रहा है, तो वो कस्टम्स के लैंग्वेज में वो व्हीकल है। वेयर हाउस, वेयर हाउस का मतलब ये है, वेयर हाउस में भी बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि
प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस और स्पेशल वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर एक एंटिटी है जो कस्टम से परमिशन लेता है तो उसे उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में वो पर्टिकुलर खुद के लाइसेंस के गुड्स रख सकता है या किसी और पर्टिकुलर गुड्स भी रख सकता है, तो उसे कहते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। और इसके बाद होता है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस में ज़्यादा करके गवर्नमेंट के जो भी सामान आता है बाहर से जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है होम कंजप्शन के लिए, तो उसे पब्लिक वेयर हाउस में रखा जाता है जब तक वो क्लियर ना हो सके। उसके बाद आता है आपका स्पेशल वेयर हाउस। स्पेशल वेयर हाउस में प्रीशियस मेटल्स हो गए या उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को वो पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए रहे तो उस पर्टिकुलर के लिए स्पेशल वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी होता है कि बाउंडेड वेयर हाउसेस होते हैं जो पर्टिकुलर प्राइवेट वेयर हाउसेस को हम बाउंडेड वेयर हाउस बना सकते हैं बट कस्टम की परमिशन के बाद। जहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक वेयर हाउस में इतनी स्पेस नहीं होती है ड्यूटीएबल गुड्स रखने के लिए, तो वो पर्टिकुलर वेयर हाउस फिर उस पर्टिकुलर पब्लिक वेयर हाउस में वो गुड्स नहीं रखे जाते, उसको ट्रांसफ़र करके प्राइवेट वेयर हाउस में जो बॉन्डेड एरिया है उस पर्टिकुलर में रखे जाते हैं। वेयर हाउस गुड्स का मैं सिंपल सा फायदा बताऊँ तो उसमें आपको बिल ऑफ एंट्री के कंसेप्ट कुछ समझने पड़ेंगे। तो बिल ऑफ एंट्री तीन तरह की होती है, एक होता है वेयर हाउस गुड्स, दूसरा होता है होम कंजप्शन, तीसरा होता है एक्सपोर्ट। तो होम कंजप्शन का मतलब है मेरे को गुड्स अभी के अभी निकालने हैं ड्यूटी भर के। फिर है वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब है कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है ड्यूटी भरने का जो सरकार को मेरे को देना है इम्पोर्ट ड्यूटी, तो मैं क्या करूँगा वेयर हाउस करके रखवा दूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके वो गुड्स निकालूंगा और ड्यूटी भरूंगा और गुड्स निकालूंगा। तो वेयर हाउस में डिपॉजिट करने के लिए बिल ऑफ एंट्री जो फाइल किया जाता है उसे वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। और वेयर हाउस में से निकालने के लिए जो गुड्स के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है उसे हम एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। तो जो गुड्स वेयर हाउस में डिपॉजिटेड हैं बॉन्डेड वेयर हाउस में उसे हम वेयर हाउस गुड्स भी कहते हैं। वेयर हाउसिंग स्टेशन वही चीज बात हुई। हेलो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन के द्वारा आपने सीखा कि भाई इंडियन कस्टम एक्ट में बेसिक डेफिनेशन या बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हैं, और आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर कस्टम एक्ट में क्या क्या सेक्शंस आते हैं और उस पर्टिकुलर सेक्शंस में हम क्या क्या चीज़ें ज़्यादा सीख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ये कहना चाहूँगा कि अगर जो आपको किसी भी डाउट्स हो रहे हों या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उस पर्टिकुलर क्वेरी को रिप्लाई कर सकूं अपने वीडियोस के द्वारा। अगर जो कुछ नया सीख रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ मैं कहना भूल रहा हूँ, यहाँ पे आज 31 तारीख है और सभी को मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा मेरी पूरी टीम की ओर से। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये कहना चाहूँगा कि रेजोल्यूशंस कुछ अच्छे बनाइएगा, आपके ज़िंदगी खुशहाल रहे और हमेशा आप खुश रहो, यही मेरी तमन्ना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में। अंटिल देन की वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।